ओके सो इफ आई टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एक नंबर है, मतलब आपको बहुत चीपेस्ट प्राइस में, मैं तो बहुत पीक टाइम में आता, सैटरडे संडे, आज संडे और फर्स्ट भी था, मज़ा आ गया मेरे को इस जगह पे आके। अगर आप आना चाहते हैं आ सकते हैं, नॉट स्पॉन्सर्ड का टैग लगा हुआ है यहाँ पे, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं पैसे दूंगा। मेन पॉइंट यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है और अच्छी चीज़ों को अपन दिल से प्रमोट करते हैं। So, अभी हम जा रहे हैं दूसरे हॉस्टल। मैंने कहा यार 5 दिन है, पता नहीं कब आना हो, तो पहले मेरा प्लान था यहीं पर रुकने का, अब ये प्लान है कि मतलब जहाँ पे भी रुके हम। ओके सो मैं आ गया आरंभ बोल में यहाँ पे मैंने एक हॉस्टल ले लिया है, क्या बोलते हैं, मित्रा। और अभी मैं जा रहा हूँ, एक लेक है यहाँ पे पास में, वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करके देखते क्या है। देखो यहाँ पे ना सबके हाथ में बियर की बॉटल है, बियर की कैन है, मैंने फेड अप हो गया था तो हमें कुछ लेना पड़ा, मतलब इतना देखा ना, तो मैंने भी एक मॉन्स्टर ले ली, मॉन्स्टर कौन सा मॉन्स्टर। गए मेरे जूते, ओके सो जो मेरे पीछे जो आपको लेक दिख रही है स्वीट लेक है, मतलब स्वीट लेक मेरे को नहीं पता, आई थिंक सो लोग स्विमिंग कर पाए इसलिए इसको स्वीट लेक बोलते हैं। ये भाई साहब इस जगह पर तो स्वीट लेक के पास बड़ा कचरा, ऐसा सीन है। तो अभी सारे स्विमिंग कर रहे हैं, बस मैं देख रहा हूँ अब यहाँ से क्या सीन है, उस वाले बीच पर जाएंगे। मैं आ गया था इधर, मेरे को होटल वालों मतलब हॉस्टल वालों ने बोला कि यहाँ पर एक बार आके देखो, मैंने कहा ठीक है आ जाते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है तो अपन मज़े उधर ही लेंगे। जस्ट लुक एट वेयर आई एम, क्या वाइब्स है यार, मतलब बीच का अलग मज़ा है, पहाड़ों का अलग मज़ा है, बट बीच में ज़्यादा मज़ा आता है। ड्रोन शॉट ले लेता बट यहाँ पे बिच्छू वगैरह है तो मेरे को रिस्क नहीं लेना, मैं फटफट जाता हूँ नीचे, ऐसे ऐसा सीन है। साइड बैठ गया, अभी मैंने मैंगो शेक ऑर्डर करा है, आई एम डैम टायर्ड, मैंने अपनी हाई नेक निकाल दी भाई, आई डोंट नो इतनी गर्मी में कैसे झेल लेता हूँ, मतलब यू नो टैलेंटेड, तो ठंड भी झेल लेते हैं गर्मियों भी झेल लेते हैं, मज़ा आ रहा है, हवा चल रही है बड़ी तेज, छाता है ऊपर, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, झेल यही लाइफ, मतलब दिस इज द फकिंग लाइफ। बूम, मैंने अपना लिटरली मैंने अपना फ़ोन जो है फ्लाइट मोड पर डाल रखा है, किसी का कॉल ना आए, किसी का मैसेज ना आए, भाड़ में गया मैं उनके लिए, हाँ बस मम्मी से सुबह बात हो रही है, बस देखो इंटरनेट वगैरह सब बंद है, तो या आई एम फकिंग चिल मूड। ओल्ड मोंग के ग्लास में मैंगो शेक, काफ़ी लोग पूछते हैं राघव भाई अपना सोलो का ट्रैवल कैसे कर लो, तो बोरियत नहीं होती, मज़ा कैसे आता है आपको। मैं तो उनको एक ही बात बोलता हूँ कि भाई स्पीकर अपने पास हमेशा रखो और म्यूज़िक लगा लो जहाँ पे भी तुम बैठे हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो नॉर्मल रोड हो या फिर बीच हो, कहीं पे भी प्ले द म्यूज़िक एंड फील द वाइब। इससे ज़्यादा बातें करने में मज़ा नहीं आता जितना इसमें मज़ा आता है। अभी जितनी कैंडीज मैं बंद करके आया हूँ सारी की सारी अभी ले लूँ, अब किंग फिशर के ग्लास में स्ट्रॉबेरी शेक, अब सारी सोच रहे हो साले तू गोवा के शेक पी रहा है वह कोई नहीं अपना ये चलता, और मैंने अभी यहाँ से ये लिया है यार, मैंने सोचा था थोड़ा फंकी लगे तो मैंने ये ले लिए, आई थिंक सो अच्छे लग रहे हैं और लगे ऑफकोर्स यार गोवा है तो थोड़ी वाइब्स तो ला रही पड़ी ना, तो हाथ में अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पैरस है, ये ओम है, नहीं चाहिए लेडीज का, आप लेट आए, मैं पहले लेने ले है, मैंने 150 रुपये में दोनों 300 में पूछ लो, हम दिल्ली वाले हम बार्गेनिंग मैं ट्रेंड हो नहीं चाहिए चाहिए, आप पहले आते तो मैं आपसे ले लेता, मेरे को ऐसे थोड़ी ना कि मैं उन्हीं से लूँगा बस।
ये चल रहा है यहाँ पे इतनी देर से बताइए, एक से लो पर सारे आप क्यों नहीं ले रहे हमसे। ओके सो सेकंड एंड प्रॉबली लास्ट सनसेट मेरा गोवा का, क्योंकि नेक्स्ट लेवल लग रहा है, बता नहीं सकता क्या अलग वाइब है, अब नेक्स्ट लेवल फीलिंग है यार। दिस इज अ माइक ओके एंड दिस होल कैमरा एंड ट्रायपॉड ट्रायपॉड व्हिच कंपनी इज दिस मैनप्रो। Do you mind if I click the pictures? Yeah, okay. You're a blogger or what? Yeah, I'm a blogger. What is the channel name? If you ask me, sunset at mountains or sunset at beach? Sunset at beach. मैंने गोवा के बारे में एक बात तो जान ली। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं पहले बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे पापा दारू के शौकीन है लाइक माय डैड, इधर गलती से भी मत ले आना। अगर आप चाहते हो कि वो दारू छोड़ दे, मतलब अल्कोहल ना पिए, तो बिल्कुल भी मत ले आना, बिकॉज भाई यहाँ पे आपको हर दुकान पे साला ड्यू मिले ना मिले लेकिन बियर ज़रूर मिल जाएगी, ऐसा सीन है। तो ये देखो मेरे पीछे देखना। ओके सो राइट नाउ आई एम ट्राइंग आउट फलाफल, पता नहीं कैसा है क्योंकि मैंने लास्ट कब खाया था, लास्ट मैंने जब रिवॉल्ट का इवेंट था ना तब खाया था, अब यहाँ पे खा रहा हूँ, लेट्स सी कैसा होता। ताकि यहाँ से बहुत गर्मी निकल रही है, गर्मी लग रही है। ओके सो बैक टू हॉस्टल, और अपने लिए चिकन शोरमा भी ले आया और यहाँ पे बैठ के खाएंगे, वजह से वाइब्स बहुत तगड़ी होंगी। तो मैं अभी जो सामान है इतना भारी रखता हूँ उसको, उसके बाद अपन चिल मारते हैं। ओके सो बाहर चल रही है पार्टी, बट वो समझ लो थोड़ी रोलिंग पार्टी है, तो मैं नहीं बैठा उस पर। तो मैंने अपनी वीडियो एडिट करी, आज मैंने अपना पूरा व्लॉग एडोबी से एडिट करा, काफ़ी टाइम लगा, मतलब सीख रहा हूँ व्लॉग, मतलब शॉर्ट वीडियोज़ में बना सकता हूँ बहुत ईजिली, लेकिन पूरा व्लॉग बनाने में और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है भैया इन व्लॉग्स में जो है म्यूज़िक डालना। हाय रब्बा देख रहे हो तुम, तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, भूलना मत। मेरे को नहीं पता व्लॉग कहाँ पे एंड होगा कहाँ पे नहीं, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि करके ठीक है। आर यू गाइस रेडी फॉर अ ड्राइव व्लॉग? Bye.